गाइस, इसको फेंक देंगे। आपको प्यारे लगे तो मुझे बताना। कोट कस रहा है, एक लंबा चक्कर मरवा के लेके आए हैं। फिल्चरी एंड देन एंड माय फ्रेंड ही मेड अ सर्कल एंड ही ड्राइव मी क्रेजी। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे मेरी ये दिवाली का व्लॉग देख के। दिवाली का व्लॉग मुझे लगता है मैं हर साल बनाती ही हूँ, कुछ साल कुछ बीच में मिस भी हो गया होगा। सो आज मैं स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ, छोले भटूरे पल्ले, एंड उसकी मैंने अलग से वीडियो शूट करी है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो कुक करेंगे एंड हस्बैंड एंड हिम्मत ने ये बहुत प्यारा सा डेकोरेट कर दिया है। ऑलरेडी जला भी दी है उन्होंने लाइट्स, अभी रोशनी है तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा। आपको रात को दिखाऊंगी मैं कैसे लग रहा है। सो मैं गई थी क्विक सा ग्रॉसरी रन करने के लिए, क्योंकि मुझे मिंट नहीं था मेरे पास फ्रेश। पल्ले के साथ मिंट की जो हरी हरी चटनी होती है मिर्च वाली, बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए मैं गई थी। एंड वहीं से मैंने बेगल ले लिया था, कॉफ़ी ले ली थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हम मील बनाए वो एक ही बार हम लोग खाएँ। ब्लड प्रेशर भी चेक करिए, अंडा भटूरे खा पाऊंगा कि नहीं। ठंडे एरिया में रख दिया, मैंने उसको गैस के पास रखा है जहाँ पे हीट है, तो थोड़ा राइस हो जाएगा तो फिर बना लेंगे। सो जल्दी से कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज से मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे फ्यूचर में आने वाली इतनी प्यारी वीडियोज को आप खो देंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी किचन पे जो मैस है या जो मैं ग्रॉसरी खरीद के आई हूँ उस सारी चीज़ों को सेटल कर देते, क्योंकि मुझे क्लीन किचन में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने ना देसी आउटफिट पहन लिया है, लेटर मैं कुछ और पहनूंगी पिक्चर्स के लिए, पर मैंने सोचा कि कुकिंग करते समय भी आज देसी कपड़े ही पहनते हैं, मज़ेदार। वही चिट्टा है या एप्रन पहन लेते हैं सबसे पहले, पर हम सबसे पहला काम करेंगे सफाई का। यू गाइस कैन सी दिस ब्यूटीफुल मेस, इसको ऑर्गेनाइज करें। करेले लेके आई हूँ एंड मैं आल्सो अरबी एंड किया, क्योंकि मेरी खूबसूरत फ्रिज में से सब्जियां मिसिंग थी। मूली लेके आई हूँ लड्डू के साथ खाने के लिए, लड्डू हस्बैंड लोग इसको लड्डू ही बोलते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे सब, बताना मुझे अगर आप लड्डू बोलते हैं तो। सो देसी फूड की खुशबू से बचने के लिए कैंडल्स को ऑन कर देते हैं। ये खूबसूरत पौधा ज़्यादातर मेरे ऑफिस में रहता है, इसको पानी के लिए लेके आई थी बाहर, दोबारा से रख देते हैं। आई थिंक इट्स बेटर एंड रेडी टू क्लीन। सो मैंने ये साउंड्स ऑफ ईशा लगा लिया है, ताकि जो मैं भोजन तैयार करूँ वो प्रसाद बन जाए। उसको ड्रेन कर लेंगे। सो थोड़ा थोड़ा करके ना इसको ग्राइंड करते हैं। सो अर्लियर मैं सोच रही थी कि मैं पहले ना वो लड्डू बना लूँ, राम लड्डू पल्ले डाल के। अब मैं सोच रही हूँ कि चने को पहले तड़का लगा देते हैं, क्योंकि लड्डू गरम गरम खाएंगे। हस्बैंड एंड हिम्मत पार्क में गए हैं, एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड की काफ़ी चीज़ों में ज़रूरत है। छोटे मोटे जो किचन हैंड वाले काम है ना, मैं उन्हीं से लेती हूँ, जैसे बिन खाली कर दें,
या फिर मूली को कद्दूकस कर देंगे क्योंकि और चीज़ें तो वो नहीं कर पाएंगे. सो फिर उनकी हेल्प ले लेंगे एंड गरम गरम खा लेंगे. एंड थोड़ा सा ये वैसे भी ना फर्मेंट हो जाएगा और दाल जब आप ग्राइंड करके रखते हैं ना थोड़ा और फूल जाती है और फिर और सॉफ्ट बनेंगे. बाय द वे जब भी मैं चने बनाती हूँ हर बार यही बोलती हूँ कि इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर है. ये वही वाले बनाने वाली हूँ जो मेरे कुकिंग चैनल पर है. उसका नाम है सिमार कैन कुक. सो कुकिंग चल रही है और मैंने सोचा कि जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं उसको साथ के साथ समेट देते हैं. अंदर गई फिर तुम कितना चल रहा है ओके गाइस ये मेरा किचन हैंड आ गया है तो इससे थोड़े आलतू फालतू जे काम करावांगे. मैं क्यों पूछा एदा चंगा लगा आ कबला कहना कि ये बच्चा पुराने जमाने से बुढ़िया एदा कर दिया नहीं ना ये आते ना सामने पूछ लंदे तो सामने पूछ ला कि तू कौन है. जब मैं पिंडा जे कभी किसी रिश्तेदार दे घर जांदी ही ना तो कोई कहंदा ही जब मैं छोटी ही ना मैं किसी दे पिंड च जाऊंगी वो कहंदे और यहाँ कौन है कहने साड़ी साड़ी रिश्तेदार है शहरों आई है शहरों तो वो कहने हाय व्हाट इज योर नेम जिधर मैं शहरों नहीं मैं बलात्वाई मैं कहने माय नेम इज वो कहने ग्रेड योर स्कूल नहीं विच क्लासरूम यू गो मैं क्या आई एम इन स्टैंडर्ड 4 शुरू तो खेडूंगी आई हूँ नहीं पर इधर क्यों तो ढिला होया था कभी ऐसा शक्ल तो ही जो भी मैं किसी पिंड च रिश्तेदार दे घर जांदी ही मैं हाय क्यों रोल करना ओके जो मैं किसी पिंड च रिश्तेदार दे घर जांदी ही ना तो मैनू एवं घुमान ला जाते ही खेतां च या अपने किसी फ्रेंड दे घर. तो जो भी उन्होंने घर जाना ना ज्यादातर वड्डियां दीदियां होंदियां सी ना या मुंडे होंदे सी कोई खेतां च घूमने गए एक मुंडा आया कहंदा या कौना दीदी कहंदी ये मेरी ना रिश्तेदार आ शहरों आई आ तो कहंदा हाय व्हाट इज योर नेम मैं क्या माय नेम इज सिद्धम मैं कीता ते फिर ना दीदी कहंदी इहनू पंजाबी आउंदी आ सभी मुझे कहेंगे व्हाट इज योर नेम आपके साथ ऐसे हुआ बताना या फिर मैं लगा 90s दे जेड़े बच्चे ही उदो हुंदा होगा क्योंकि शहर और पिंडा जो थोड़ा फर्क ही ना तो थोड़ा लगता होगा कि पता नहीं शायद बाहर ही आया है ना हूं तो नहीं है. ओके सो हस्बैंड एक काम करन दे और शो करन दे कि पता नहीं क्या क्या कर लिया मैंने. सो मैं इनको बना के देने वाली हूँ राम लड्डू शायद उससे इनको थोड़ा जी मेरे पोटे शुरू हो जाएंगे काम कर कर के ना यार तू ही ना झूठ बहुत मार दे भाऊ तू ही राम लड्डू खाने लिए तैयार है. मैं राम लड्डू खाने लिए तैयार हूं शिवजी वाले लड्डू भी खाने तैयार हूं लक्ष्मी वाले लड्डू भी तैयार हूं लक्ष्मी वाले लड्डू नहीं होते ताना प्यारिए. ओके सो इसमें थोड़ी एयर भरने के लिए ना मैं एक क्लॉकवाइज इसको फेंटेंगे ऐसे एक बार इधर एक बार इधर नहीं करेंगे क्योंकि फिर उससे खराब हो जाता काम. प्यारी बिगाड़न तो पूरा पूरा हाथ था तेरा में. दिस इज राम लड्डू फॉर राम राम आएंगे तो प्यारी आज दिन तो हर दिन दे नवे सोने कपड़े पालन दी आज भी गरीब मां यो ही कोटी ये तो है जिदा रूम दे पकौड़े प्यारी ये ही दे आ मेरी गला गाली सॉफ्ट बनाए तेरे लिए बेस्ट कदम ना थे मैंने बिल्कुल तेरे तो ये उम्मीद नहीं कि एडी खास चीज बनाएगी बहुत झूठ मान लें यार तुझे पता है कि मैं बहुत खास हूँ फाला नहीं तू ही खा हम्मी मजा आ गया जिंदगी का हम्मी और पकोड़ा वो के डिफरेंसी है आज मामा की दाल पाई ना फर्मेंट हो जाती कह रही मैं ओवरनाइट की थी कल ओवरनाइट. सो गाइस हस्बैंड को चंगे लग गए हैं सो हमारी हो गया सक्सेस. आई एम हैप्पी दैट ही इज ईटिंग ही इज लाइकिंग इट.
सो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं, तो मैंने दो जगह डिफरेंट जगह पैक कर लिए हैं दो दोस्तों को देने के लिए। एक वो मैं आंटी को दे के आऊँगी, एक वो मेरी फ्रेंड को। सो जल्दी से उनको डिलीवर कर देती है, गर्म गर्म खा लेंगे वो। सो खाना बनाते समय मैंने सोचा था कि आज ना मैं देसी कपड़े पहन के करती हूँ, फिर मुझे लगा कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए। ये मैंने सूट जो लिया है मैंने हस्बैंड के शहर से लिया था, एंड बहुत समय हो गया कि मैंने येलो सूट नहीं पहना, मुझे येलो कलर बहुत प्यारा लगता है। सो ये पहन लिया है, एंड पहला मैं वही इयर रिंग्स मैंने चेंज किए हैं, ये भी मैंने मेरे हस्बैंड की सिटी से लिए हैं। आपको प्यारे लगे तो मुझे बताना। हमने पकौड़े खा लिए थे, एंड जो मैंने बनाए थे पकौड़े नहीं, वो दाल के वड़े पल्ले एंड लड्डू बोलते हैं हस्बैंड लोग। सो वो मैंने मेरी दोस्तों को भी दे दिए हैं, आई होप उनको भी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि चटनियाँ भी सारी मैंने खुद ही बनाती हूँ, लाल चटनी, हरी चटनी, मीठी चटनी, एंड वो यू नो रेडिश मूली के साथ ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट लग रहा था। फिर जब मैं देख के आई ना, फिर मैंने घर में आके बैठ के खुद से भी खा लिया, एंड अब मैं थोड़ा स्टफ्ड फील कर रही हूँ। पहले मेरा प्लान था कि हम लोग 4:30 बजे तक डिनर कर लेंगे, पर नहीं कर पाए हैं। अब मैं थोड़ी देर में कुक करना शुरू करने वाली हूँ। मेरे चने ऑलरेडी रेडी हैं, भटूरे बनाऊँगी। अभी 6:30 हुए हैं, अभी खा लेते हैं, क्योंकि आज हमें लेट भी सोना है, क्योंकि कल हिम्मत की छुट्टी है। सो ये अच्छा है कि हिम्मत की छुट्टी है, सो आराम से लेट सो सकते हैं हम लोग। एंड जलाती है सारे, और हस्बैंड क्या कर रहे हैं, वो हर जगह रख रख के आ रहे हैं। हर एक रूम में एक दिया जलाते हैं हम लोग, वॉशरूम में हर एक स्पेस में, एंड कुछ हम यहाँ पे रख लेंगे। एक ग्लास में सो पहला ऊपर रखे हो।
छोले बड़े भैया तो खाना पीना हमारा हो चुका है एंड अभी घर को क्लीन करना किचन को क्लीन करना बाकी है वो आके करते हैं. समय हुआ है 7 something एंड हमारी स्ट्रीट में फायरवर्क्स होने वाला है तो हम देखने के लिए जाने वाले हैं. अहमद का दोस्त रहता है इस गली में तो उसने हमें मैसेज किया है कि जल्दी आ जाओ आप मिस कर देंगे तो मैंने सोचा कि हम भी चले जाते हैं देख लेने की है क्या. हिम्मत कोट कस रहा है अने पजामे एंड कुर्ते के ऊपर अभी ये और ज्यादा टाइट हो जाएगा. यार ये इतनी ठंड नहीं है कि तेनू ग्लव्स पाने पहन नहीं कुछ अच्छा जैसे गिव मी अ बॉल. हे मिमी करना कर ले खत्म हो जाना. हेलो सिनूर हैप्पी दिवाली. आ गए मन में आ गया. This is the ultra guy happy after celebrating Diwali. Diwali, checking all the maps. Happy Diwali. Okay, दोस्तों तो हमारी street में थोड़ा सा लोग celebrate कर रहे थे तो हम चले गए and हम देख के आए हैं. अच्छा मज़ेदार था and husband ने ज़्यादा खा लिया तो एक लंबा चक्कर मरवा के लेके आए हैं. मैंने तू ही ज़्यादा खाधा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਹੀ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ. ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ. ਗਾਇਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਦੀਵਾਲੀ ਟੁਡੇ. ਵੀ ਪਲੇਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਫੁਲਚਰੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਰਕਲ. Kept on doing this, but then I got a real long one. It was like this long.
And then I said, move out, everybody. Move out. And then everybody was like, whoa, how did you grab that? And then I said, oh, I just found it. I had a wonderful Diwali, and I hope you had a happy Diwali too. And happy Diwali again. Now talk to my mom. Bye bye, Mano. You changing clothes? No, I'm gonna stay on this. You like it? Yeah, it's comfy. Okay. अरे दोस्तों, तो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, ख़त्म. क्लीन कर लिया है मैंने. एंड अब बारी आती है मेरी नीनी करने की. नीनी करने की, थोड़ा रिलैक्स करने की, थोड़ा टीवी भी देखती हूँ, स्किन केयर करती हूँ. अरे प्यारे दोस्तों, तो इसी तरह आज के ब्लॉग के साथ हम डन हैं. उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा प्यारा सा स्वीट सा पिद्दी दिवाली ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें. मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं. अगर आप स्मॉल शॉप से ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड बहुत ही प्यारे क्लासिक डेंटी पीसेस, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यहाँ पे मैं पिक्चर छोड़ दूँगी, आपको ज़रूर से चाहिए. और अभी ब्लैक फ्राइडे पे कोई प्यारी सी सेल भी आने वाली है, तो स्टे ट्यून रहें. मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें, एंड से मॉर शॉप को भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कब क्या आने वाला है. एंड यस दोस्तों, हैप्पी दिवाली वंस अगेन. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय बाय.